के जंगलों में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, पर इन्हें कैद करना उतना आसान नहीं होता। ये कहानी उसी संघर्ष पे आधारित है, जहां हमने हजारों में एक बार दिखने वाले इस घटना को ना सिर्फ कैद किया, बल्कि उसे महसूस भी किया। एक छोटी सी गलती और हम ये मौका गवा देते, और एक जिद की वजह से हम ये कर पाए। कहानी की शुरुआत होती है नागपुर से, जब दिसंबर महीने की ठंड और यहाँ का चाय का स्वाद एक बढ़िया मेल था। गुड मॉर्निंग नागपुर। मेरा दिमाग बड़ा हो गया क्या? ये फिट हो रहा है। हमारा सभी का बचपन मोगली की कहानी के साथ बड़ा हुआ, और आज हम उसी जंगल में जा रहे थे शेर खान को ढूंढने। हम जा रहे थे पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, पर जैसे कि सभी काम की शुरुआत भगवान के दर्शन के बिना अधूरी है, इसलिए हम सीधा रामटेक गए, बस नागपुर से कुछ ही घंटों की दूरी पे। रोहन मन्नत मांगने जा रहा है तो उसके लिए। ये नारियल टाइगर के लिए है? नारियल फोड़ोगे तुम टाइगर के लिए? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गर्ल्स वर्सेस बॉयज, तो आज दो लोग बोल रहे हैं, जो कि पीछे बैठी हुई हैं, वो बोल रही कि आज टाइगर नहीं दिखेगा, और जो हम हैं, जो हम हैं, वो बोल रहे हैं कि टाइगर दिखेगा। अगर ये लड़कियां हार गई तो इनको हमको 100-100 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ये लड़कियां जीत गई तो इनको हमको 100-100 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों केस में हम अभी जस्ट सिलरी गेट से थोड़ा 2-3 किलोमीटर पहले, पर जो जंगल की आवाज है वो सुना। You've arrived. Thank you. पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा महाराष्ट्र तो दूसरा मध्य प्रदेश में है। हमारी पहली जंगल सफारी सिलेरी गेट से थी, जो महाराष्ट्र में है। जंगल नया था, रास्ते नए थे। हमने जंगल के बारे में जानने की शुरुआत की, रास्तों के नक्शे दिमाग में चपते गए। जानवरों के बर्ताव पर हमारी नजर थी, तब भी अचानक जंगल में कुछ हलचल हुई। यहाँ से आओ जरिए, अंदर से कंटिन्यूस कॉलिंग चल रहा है, सांप आ गया। नहीं टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं है, लेपर्ड है अंदर, और उसके उसके साथ बच्चे भी हैं। यहाँ की गाड़ी रुकी है, पीछे कुछ गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लेपर्ड अपने दो बच्चों के साथ था। अक्षय ने देखा और वो झुक गया नीचे, हम तो
बहुत टाइम तक रुके पर चांस नहीं है, वो बाहर नहीं आया। इधर से ही है, ये देखिए गाड़ियाँ भी आई। अरे चल ना, बोलो तुम, बोलो तुम, मैं बुला रहा हूँ कंटिन्यूसली साइड। और लेपर्ड इस साइड नहीं गया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई तो भी और है। जंगल से कुछ जानवर ये संकेत दे रहे थे कि बाघ आसपास ही है, इसलिए हम उस दिशा की ओर बढ़े। तो वी आर गोइंग दिस साइड एकदम। गाइस ये गाड़ी को अभी लेपर्ड दिखा और ये हमारे थोड़े आगे थी, पर वो उनको भी 2-3 सेकंड के लिए दिखा और वो जंगल के अंदर चला गया। तो वो उसी एरिया में, और वहीं एक टाइग्रेस है जो कब्स के साथ है, तो हम उसी एरिया में अभी घूम रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमारी लड़कने भी मायूस होती जाए। कितना पकाऊ डायलॉग था ये। पर फिर भी अभी तक बहुत टाइम है, अभी तक बहुत टाइम है और दिखेगा। कंटिन्यूस रोड पे दिखे गायब हो गई क्या? अभी नहीं, वो बोल रहे कि इधर बैठी है, तो हम अभी इधर चेक कर रहे हैं। इधर बहुत सारी गाड़ियां लगी पड़ी है, लोगों को दिखी है। कुछ ही वक्त हुआ था जब कुछ टूरिस्ट ने एक बाघिन को जंगल से गुजरते हुए देखा था। तब हम एक बाघ को ट्रैक करने में लगे थे, हम जंगल के दूसरे एरिया में थे। सॉरी गाइस, आज हमने बहुत कोशिश की कि टाइगर देख सके, पर नहीं दिखा। बट ठीक है, कल के भरोसे दुनिया कायम है। तो निकले, चल 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 चल। अक्षय आया अचानक और वो बोला कि रोन राइड अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा चांस होगा आज का सुबह का, क्योंकि सुबह टाइगर मूवमेंट बहुत अच्छी खासी है इस गेट पे। उठे दो जिप्सी गन, जिप्सी वाली बुकिंग फिक्स हो गई क्या? ओ मैं जिप्सी गन निक तो ये ना बाहर लो पर। ओके शूज तो पहन लो। शूज में चप्पल पहन के सकते चप्पल पहन के ठंड में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये गाड़ी टाइग्रेस के लिए वेट किया। व्हाइल दे वर रिटर्निंग बैक, लेपर्ड रोड पे से चल रहा था। व्हाट आर यू सेइंग? एग्जैक्टली कल शाम को, शाम को इनको व्हाइल रिटर्निंग दे गॉट अ साइटिंग ऑफ दैट लेपर्ड। मतलब हम जल्दी निकले। चलो लेट्स जय माता दी, जय माता दी। आम्हाला काही टेंशन नाही, आम्हाला फक्त टाइगर। आज टाइगर स्पॉट करू, आज टाइगर, बाकी नो एनी एनिमल। माझा लेपर्ड चालतील। इस मॉर्निंग की सफारी हमारे लिस्ट में नहीं थी। तब हमें ये पता चला कि कुछ टूरिस्ट ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद भी नहीं आए थे। हमने मौके का फायदा उठाना ठीक समझा, क्योंकि हम जंगल के बारे में जानने लगे थे और हमने हमारी स्ट्रेटेजी यूज करने की शुरुआत भी की थी। रणनीति का पहला कदम ये था कि हम ऐसे इलाके में जाएं जहां बाघ अक्सर रहना पसंद करता है। वो इलाका था बांबू वन। कहीं बिना रुके हुए हम सीधा वहीं पे गए, पर जंगल खामोश था। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्या बोल रहे थे? टाइगर टॉयलेट निकल गया बोलते। किसी को भी नहीं दिखाया क्या? अब वापस जाने का वक्त करीब था। उसी दौरान डियर ने एक चेतावनी दी और हमारी धड़कनें फिर से तेज दौड़ने लगी। लगा कि इस बार वो कहीं नजदीक है, पर असफलता ही हाथ लगी। कैसा है खाना? अच्छा। मैंने तो सब कुछ लिया है टेस्ट करने के लिए। कि एक बच्चे अभी हम जा रहे हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, अभी महाराष्ट्र में है, तो तेलिया गेट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और ये सब लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आज एक भी टाइगर नहीं दिखेगा, बट स्टिल दे आर गोइंग फॉर सफारी।
जंगल में आए हैं, जंगल के मजे लेंगे। इस प्लानिंग में हमारी एक गलती हुई थी। जिस जंगल के बारे में हम अच्छी तरह से वाकिफ हुए थे वो छोड़ के हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जंगल के एक दूसरे इलाके में चले गए। और अंदर से ये फीलिंग स्ट्रांग थी कि हम फिर से खाली हाथ वापस आने वाले थे। ये सिर्फ एक चांस था जो सफल होना बड़ा मुश्किल था। अब जंगल में एंट्री तो की है तो शांत तो नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने गाइड से यहाँ के बाघों के बारे में और उनके एरिया के बारे में पूछना शुरू किया। ये वार्निंग कॉल नहीं ना लंगूर का? नहीं रे, वैसा कहता एकदम बराबर लंगूर ने आवाज निकाल। तब एक खबर आई कि तालाब के उस पार कुछ लोगों ने एक बाघ को जंगल से गांव की तरफ जाते हुए देखा है। बस हम भी वहीं चले गए बाघ को ट्रैक करने। ये वाला काठी के यहाँ पे और काठी पे इधर भी पीछे इसी साइड गया है, मतलब पीछे गया। वो मेल टाइगर के पंजे काफी बड़े दिख रहे हैं। गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड यहाँ से कॉलिंग आ रही है, पर अभी टाइम खत्म हो चुका है। अभी होने 6 बज चुके हैं और इसलिए वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। नवी कुत्ता भौंक रहा है, मतलब टाइगर आसपास ही है। क्या संबंध है? हाँ कल वो गाइड नहीं क्या बता रहा था, आज पहला नंबर लगना चाहिए। हाँ तो चलो जल्दी। तो हम तो रेडी है ना, बुकिंग ऑफिस जाके गाड़ी कलेक्ट करना इजीर ऑप्शन है क्या, बिकॉज ये वाया कॉल जा रहा है अभी। ये हमारी 4th राइड थी और इतने प्लानिंग के बाद भी जंगल में डियर और मंकी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा था। फ्रस्ट्रेशन लेवल अपने पीक पे थी। गाइड के साथ डिस्कशन की शुरुआत की, उनको बताया कि राइड के पूरे 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ बाघ को ढूंढने में खर्च करेंगे। नो ब्रेक, नो टाइम पास। हम सब अलर्ट पे थे, कोई बाएं, कोई दाएं, कोई आगे तो कोई पीछे अपनी नजर गड़ाए बैठा था। उतने में जंगल से अलार्म कॉल सुनाई दी, हम उसी जगह रुके। सोचा कि अलार्म कॉल बंद होने के बाद भी वही रुकेंगे, शायद बाघ बाहर आ जाए। और जैसा सोचा वैसा ही हुआ, वो हमारे सामने थी।